ये वीडियो मेरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सीरीज वर्ल्ड वॉर टू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड का सिक्स्थ एपिसोड है। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने बात की एक्सियल फोर्सेस के बारे में, यानी जर्मनी, इटली और जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ये तीनों कंट्रीज क्या कर रहे थे, और उसके बाद हमने लास्ट एपिसोड में बात की है फ्रांस के बारे में, वो भी अलाइड फोर्स का एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री था, और वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने के पहले फ्रांस क्या कर रहा था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइड फोर्सेस के दो दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। ये कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या कर रही थी, क्या प्रिपरेशन हो रही थी, जब जर्मनी और इटली अपने आप को रीआर्म कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे थे, तब ब्रिटेन और रशिया में क्या चल रहा था, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1919 में। अब देखिए 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है खत्म, और इस आर्मिस्टिस के बाद जब लड़ाई खत्म हुई तो जो आर्मिस्टिस हुआ उसके बाद ब्रिटेन का जो अंपायर था, उनका जो साम्राज्य था, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। आप सोचिए, ब्रिटिश अंपायर ऑलरेडी बहुत बड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, और एक्चुअली उसी अंपायर की वजह से उसको इतनी ताकत मिल रही थी लड़ाई में सक्सेसफुल होने के लिए। बट जब लड़ाई खत्म हुई तब उसके पास अपना जो अंपायर था वो तो था ही, बट उसके अलावा जो जर्मनी की कॉलोनीज थी अफ्रीका में वो पूरा हिस्सा मिल गया ब्रिटेन को। उसके अलावा ऑटोमन एम्पायर, इजिप्ट का इतना बड़ा, वहां पे इतना बड़ा एरिया था जो पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, वो जब उनकी हार हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वो भी पूरा हिस्सा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डिवाइड हो गया। तो आप सोचिए कि ब्रिटिश एम्पायर की साइज एकदम से बढ़ गई, और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1919 में ब्रिटिश एम्पायर का साइज मैक्सिमम था उसके पूरे जीवन काल में। इसीलिए उस जमाने में एक कहावत चलती थी That the sun never sets on the British Empire. और ये बात सही भी है, क्योंकि अब देखिए उस जमाने में ब्रिटिश एम्पायर इतना विशाल था कि उसमें इतने सारे कंट्रीज थे कि पूरे 24 घंटे के अंतराल में कोई ना कोई ऐसा कंट्री होता था जहां पे दिन है और वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर है। इसीलिए ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूर्यास्त होता ही नहीं। बट अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि साइज इज नॉट एवरीथिंग। हालांकि ब्रिटिश एम्पायर अब बहुत बड़ा हो गया था, बट उसको मैनेज करने के लिए, उतने बड़े एम्पायर को चलाने की ताकत अब ब्रिटिश एम्पायर के पास नहीं थी। क्योंकि होता है ऐसा है, जब आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। आप ये चाहते हैं कि जितना भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी आपकी कॉलोनीज है, उनको कोई हमला ना करे, और आपका जो वहां से पैसा आ रहा है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए जितना उनका एम्पायर बड़ा हो गया, एक तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एम्पायर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की कॉलोनीज भी उनको मिल गई तो इतना बड़ा एम्पायर उनका हो गया कि उसको सपोर्ट करने के लिए उनके पास उतना स्ट्रेंथ बचा ही नहीं, फाइनेंशियल मसल उनका पूरी तरह से खत्म हो चुका था। परंतु ब्रिटेन है एक आइलैंड कंट्री, यानी वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर उनको अपने आप को डेवलप करना है, इवन अपने आप को अगर जिंदा भी रखना है, तो उनको अपनी कॉलोनीज की जरूरत थी। इसीलिए उनका फोकस ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि उनकी जो इतनी सारी कॉलोनीज बढ़ गई हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना है और वहां से लगातार पैसा आता रहना चाहिए। यही उनका मेन फोकस था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था ब्रिटेन का और उनको उसकी भरपाई करनी थी। बट हुआ कुछ ऐसा कि जब वॉर खत्म हुआ तो उसके तुरंत बाद आप सोचिए कि यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे जो जीते हारे, सारे कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी, सबके पास पैसा बचा नहीं था। तो एक जो कंट्री था जिसको एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैसे के मामले में बहुत फायदा हुआ, वो था अमेरिका, क्योंकि उनके से तो बहुत दूर लड़ाई हुई थी और उन्होंने बहुत लास्ट में लड़ाई में ज्वाइन किया था, और ज्यादा उन्होंने हेल्प की थी पैसा देके, लोन देके, तो उसके बाद उनका बहुत मुनाफा हुआ। और इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद भी जो यूरोप में जो सारे कंट्रीज थे जो वॉर में इन्वॉल्व थे और उनके ऊपर इतना लोन था, उस लोन को चुकाने के लिए भी अमेरिका ने मदद की, क्योंकि अमेरिका जानते थे कि हम इनकी भी मदद करेंगे फिर हमको फिर इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा, तो अमेरिका का बस फायदा फायदा था इस सब में। बट इस सारे चक्कर में अमेरिका मजबूत हो रहा था और ये सारे कंट्रीज जो थे वो वीक 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 होते चले गए। और यूरोप में अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन को मदद नहीं की, उन्होंने जर्मनी को मदद की अपना लोन चुकाने के लिए। तो जब तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में बूम आया इकोनॉमी में, यानी 1920s का जो टाइम था उसको रोलिंग 20s कहते हैं, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी अमेरिका में, और उस वजह से पैसा बहुत जनरेट हो रहा था, और वो पैसा वो भेज रहे थे यूरोप में इन कंट्रीज को, भाई लो तुम हमको लोन चुकाओ और अपने आप को थोड़ा संभालो, इसके लिए बहुत हेल्प कर रहे थे। बट जैसे ही साल 1929 में अमेरिका में स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश किया, तो अमेरिका में लग गया फिर द ग्रेट डिप्रेशन, और उसके वजह से अमेरिका के पास अपने पास ही पैसा बचा नहीं, तो वो क्या मदद करेंगे यूरोप की। तो जैसे ही अमेरिका से जो लगातार पैसे की सप्लाई आ रही थी, जैसे ही वो बंद हुई,
वैसे ही जर्मनी की इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में थी वो तो पूरी तरह गिर गई, और इसी वजह से उस इकोनॉमी के गिरने की वजह से ही हिटलर का जो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी, क्योंकि हिटलर ने जर्मन जनता के मन में ये उम्मीद जगाई कि अब कंट्री इतनी बुरी हालत में है वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे नेता कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अच्छे नहीं है, उन्होंने देश को एकदम बेच दिया है, अब मैं इस कंट्री को स्ट्रांग करूंगा, और इसीलिए हिटलर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी। बट जैसे डिप्रेशन में यूएस की हालत बहुत खराब हुई थी, वैसे ही ब्रिटेन की भी हालत बहुत ही खराब हुई थी। उन्होंने भी, उनको मदद मिल रही थी अमेरिका से, बट जब अमेरिका से मदद मिलना खत्म हुआ तो 1931 तक आते आते ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना हाई हो गया था कि कभी भी पूरे उनके इतिहास में इतनी बुरी हालत नहीं थी बेरोजगारी की, ब्रिटेन में इतनी बुरी हालत हो गई थी डिप्रेशन के बाद। बट उसके बाद फिर आगे 2-3 सालों में ब्रिटेन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ, इकोनॉमिक रिकवरी होना शुरू हो गया, और अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इस पूरे ड्यूरेशन में मोर और लेस ब्रिटेन की पॉलिटिक्स स्टेबल थी। मतलब ऑब्वियसली पार्टीज तो चेंज हुई, कंजर्वेटिव जगह लेबर पार्टी आ गई थी पावर में, बट ओवरऑल एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी थी ब्रिटेन में। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई इस इंटर वॉर पीरियड में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वो ये था कि ब्रिटेन में औरतों को वोट करने का अधिकार मिल गया। जब पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन के इतने सारे फौजी फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे, अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय ब्रिटेन की औरतों ने स्टेप अप किया और इकोनॉमी को चालू रखने के लिए, लगातार प्रोडक्शन बनाए रखने के लिए बहुत मदद की। इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो औरतों को उनके वोट के अधिकार को पाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो ये तो सारी बात रही कि ब्रिटेन में इंटर वॉर पीरियड में ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा था। अब हम बात करते हैं मिलिट्री की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, एक्चुअली डिप्रेशन के बाद, जर्मनी ने अपने आप को बहुत तेजी से रीआर्म करना शुरू किया, यानी हथियार बनाना शुरू किया, एयरफोर्स बनाई, अपनी नेवी को डेवलप किया, और उसी के साथ साथ इटली में भी रीआर्ममेंट हो रहा था। मुसोलिनी ने अपनी फ्लीट को बहुत स्ट्रांग कर लिया था, नेवी को मजबूत बना दिया था, अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर दिया था। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यूरोप के जो ये दो मेन पावर्स थे, जर्मनी और इटली, ये अपने आप को रीआर्म कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। तो बहुत जाहिर सी बात है कि यूरोप का एक और इंपॉर्टेंट कंट्री यानी ब्रिटेन, वो भी अपने आप को स्ट्रांग कर रहा होगा, राइट, अपनी मिलिट्री को मजबूत बना रहा होगा, राइट। रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था ब्रिटेन में। उसका रीजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लड़ाई खत्म हुई थी तो आपको लगेगा कि ब्रिटेन तो जीते थे तो उनकी मजबूत कंडीशन में होंगे वो लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ब्रिटेन की जनता का मोराल पूरी तरह ब्रेक हो चुका था, अब वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, ना उनके अंदर स्टमक बचा था लड़ाई करने का, और ना ही उनके पास पैसा बचा था, ना उनके पास पॉलिटिकल विल थी, वो चाहते ही नहीं थे कि अब किसी भी कीमत पे वापस लड़ाई हो। इसीलिए जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही थी मिलिट्री के बारे में, फॉरेन पॉलिसी, वो सारा इस चीज को सोच के बनाई जा रही थी कि भाई हमको वापस लड़ाई ना करनी पड़े, लड़ाई नहीं होनी चाहिए वापस, क्योंकि अब बस लड़ाई नहीं चाहिए बस। इसीलिए अब ब्रिटेन की सारी पॉलिसी ये थी कि वो अपने एम्पायर को स्ट्रांग करेंगे, यानी जो ओवरसीज उनकी कॉलोनीज हैं उनको प्रोटेक्शन करने में सारा ध्यान लगाएंगे, और वो समझ चुके थे कि यूरोप में अब खतरा नहीं है, कुछ समय तक तो यूरोप में शांति रहेगी। तो जो होम फ्रंट पे रिस्क था उसको वो लोग कम मान रहे थे, उनका सारा ध्यान था अपनी कॉलोनीज की तरफ। इसी वजह से साल 1919 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, वहां से लेके साल 1936 तक, 17 ईयर्स तक, ब्रिटेन में कोई भी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस पूरे ड्यूरेशन में ब्रिटेन का सिर्फ एक एजेंडा था, वो ये था कि अपनी कंट्री को पैसे के मामले में मजबूत रखना है, क्योंकि अगर हम लड़ाई में नहीं पड़ते हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पैसे से मजबूत रखें, क्योंकि उनको लग रहा था कि कभी भी कंट्री फाइनेंशियली इतनी वीक हो चुकी है, कभी भी गिर जाएगी, और स्पेशली उनके जो एम्पायर में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतनी जगह पे उनकी जो कॉलोनीज थी वहां पे लोग विद्रॉ कर रहे थे, इंडिया में बहुत हलचल मच रही थी, तो उनको लग रहा था कि अगर ये कंट्री, स्पेशली इंडिया, अगर हाथ से निकल गई तो ब्रिटेन के पास कोई पावर बचेगी नहीं। तो इसलिए उनका सारा ध्यान अब कॉलोनीज की तरफ था। आप पूरी ब्रिटेन की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी पोथी खोल के पढ़ लीजिए, आपको लगातार दिखाई पड़ेगा कि पीछे 500, 600, 1000 साल तक ब्रिटेन की ताकत रही है उनकी नेवी। बट इस पूरे ड्यूरेशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की नेवी में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। हालांकि जर्मनी और
इटली इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि उनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपनी नेवी को मजबूत बना रहे थे, बट ब्रिटेन ने कोई भी खास स्टेप्स नहीं लिए, बल्कि उल्टा कर रहे थे ब्रिटेन के लोग। वो लोग चाह रहे थे कि यूरोप के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनको कन्विंस किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि सब लोग मिलकर डिसआर्ममेंट करते हैं, यानी चलो वेपन्स बनाना बंद करो, अपने आप को मॉडर्नाइज करना बंद करो, इस सब में मत पड़ो, लड़ाई नहीं करनी हम लोग को। तो इस चीज के लिए वो एनकरेज कर रहे थे बाकी कंट्रीज को, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग नहीं करने के लिए इनकरेज कर रहे थे। इसी वजह से एक बहुत फेमस था उनका एक स्टैंड था ब्रिटेन के लोगों का, वो चाह रहे थे कि सबमरीन्स को नहीं डेवलप करना चाहिए। वो लोग सबमरीन टेक्नोलॉजी के बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग ये मानते थे कि सबमरीन्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते किसी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लोग ये समझते थे कि सबमरीन्स को सिर्फ लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से, क्रूअल तरीके से मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबमरीन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात की बहुत उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस बात को ब्रिटेन के लोगों ने कि सबमरीन्स के डेवलपमेंट को रोक दिया जाना चाहिए। वो सारे देश को अपील कर रहे थे कि वे सबमरीन को डेवलप मत करो, परंतु इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्रिटेन के इस एंटी सबमरीन स्टैंड को कोई भी और कंट्री सपोर्ट नहीं करती थी। जर्मनी ने, इटली ने बहुत खूब भर भर के सबमरीन डेवलप की, इवन अमेरिका भी डेवलप कर रहा था, तो कोई भी कंट्री ये बात मानती नहीं थी कि सबमरीन को डेवलप नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश लीडरशिप इतनी परेशान हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कि वो लोग एक्टिवली इस बात को डिस्करेज कर रहे थे कि कोई भी इनोवेशन मिलिट्री में नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक आते आते मार्क फोर टैंक्स आ चुके थे ब्रिटेन के पास, और उनकी टैंक टेक्नोलॉजी बेस्ट थी, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के टैंक्स कितने पावरफुल हो गए थे। उस जमाने में ब्रिटेन के पास कोई जॉब नहीं था जर्मनी के टैंक्स के लिए। उसका रीजन ये था कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को वो लोग बहुत डिस्करेज कर रहे थे ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन में जो भी ऑफिसर्स, जो भी कुछ इनोवेटर जो आगे बढ़ रहे थे, उनको एक्टिवली दबाया जा रहा था, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था कि वो उनको सीनियर पोजीशंस ना मिले, और सारे आगे वाले ऑफिसर्स कोई भी इनोवेशन करने के लिए घबराए। ऑन दी अदर हैंड, जर्मनी लोग जो हारे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने अपनी सारी मिस्टेक्स को, जितनी भी उनको सक्सेस मिली थी, जितने भी फेलियर्स हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, उनको उठा उठा के डीपली पढ़ा था उन्होंने। उन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या सही किया, क्या गलत किया, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कोई भी बात करना ही नहीं चाहते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसीलिए जब 1939 तक आते आते जर्मनी के हिटलर ने इतने सारे कंट्रीज को, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, और अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया यूरोप के अंदर, और सारे कंट्रीज को एक करके एनेक्स कर लिया, तब ब्रिटेन लोग सिर्फ एक अपीजमेंट की पॉलिसी ले रहे थे। मतलब हमको भाई तुम लोग के फट्टे में टांगे डालनी है, तुम लोग जो कर रहे हो देख लो, इसके आगे कुछ मांगना मत, ऐसे मतलब वो चुप चुप दूर रह रहे थे। उसका रीजन ये था क्योंकि ब्रिटेन लोग ये बात जानते थे कि वो लोग बिल्कुल भी रेडी ही नहीं है लड़ाई करने के लिए। इसीलिए जब 1939 तक आते आते हिटलर का इतना दबदबा हो चुका था, वो चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर चुका था, जब एकदम से यूरोप में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो ब्रिटेन के पास कोई आंसर नहीं था। उस जमाने में ब्रिटेन की हालत एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हो गई थी जिसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, ये सोच के कि अरे टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, ऐसे इग्नोर करता गया। बट अचानक से एक दिन टीचर ने आके बोल दिया कि आज है सरप्राइज टेस्ट। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जर्मनी और इटली, उन्होंने तो उसका फायदा उठाया, बट ब्रिटेन कोई जवाब नहीं था उनके पास, वो इस क्लास टेस्ट के लिए, सरप्राइज टेस्ट के लिए रेडी नहीं थे। और इसीलिए जब सितंबर 1939 में लड़ाई शुरू हो गई फाइनली, तब ब्रिटेन किसी भी कीमत पर रेडी ही नहीं था सामने से कन्फ्रंट करने के लिए जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद जब जर्मनी लगातार अपने आसपास के रीजन्स को ऑक्यूपाई कर रहा था, उस जमाने में ब्रिटेन लोग सिर्फ डर डर के अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में जब हिटलर की नजर ब्रिटेन की तरफ जाएगी, तब वो लोग कुछ हद तक सामना कर पाए जर्मनी का। यह तो सारी बात हो गई ब्रिटेन की। अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियन के बारे में, जो कि अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही अहम प्लेयर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब लड़ाई खत्म हुई थी, तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए लड़ाई खत्म हुई थी 1919 में पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बट रशिया के लिए ये बात थोड़ी अलग थी, क्योंकि रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हो गया था, इंटरनली सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, रशियन बहुत सारे फौजी अपनी आर्मी को डिजर्ट कर करके भाग रहे थे, छोड़ के भाग रहे थे। इसीलिए 1917 में रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विदड्रॉ कर लिया था, वो लोग पीछे हट गए थे खुद ही, और इस वजह से उनको जर्मनी को बहुत सारा हिस्सा जमीन का देना पड़ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के मेन लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में, रशिया को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत हेल्प की। साल 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद दो ऑप्शन थे
दो ऐसे लीडर थे जो रशिया को लीड करने के दावेदार बन रहे थे, एक थे लियोन ट्रॉट्स्की और दूसरी तरफ थे जोसेफ स्टालिन। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि लेनिन के बाद अब रशिया को लीड करेंगे ट्रॉट्स्की, क्योंकि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में उसकी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी के लीडर थे वो, और इस वजह से लोगों को लग रहा था कि ये अब एक इंपॉर्टेंट लीडर बनके सामने आएंगे, और इवन लेनिन के टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, तो लोगों को लग रहा था कि अब यही अब कंट्री को आगे लीड करेंगे। बट दूसरी तरफ थे स्टालिन, और स्टालिन भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत अहम लीडर थे। 1923 में वो उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। इस पोजीशन में आने के बाद स्टालिन को बहुत मदद मिली बाकी पार्टी वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इसीलिए 1924 में लेनिन के बाद पावर आ गई स्टालिन के हाथ में। पावर में आने के कुछ सालों के बाद साल 1928 में स्टालिन ने जो लेनिन की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको छोड़ दिया और अपना फर्स्ट 5-year प्लान बनाया, एक सेंट्रल पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने ये तय किया कि कैसे एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, बिजनेसेस कैसे होंगे, इस सब के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उनके प्लान के मुताबिक रशिया के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ज्यादातर भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा रशिया की हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के, और दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान थोड़ा कम दिया गया। 1930s के दशक में स्टालिन ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, और इस वजह से जितना भी रेजिस्टेंस उनके सामने था उसको उन्होंने एक एक करके खत्म करना शुरू किया। ऐसे लोग, ऐसी पार्टीज, ऐसे ग्रुप्स जो ऐसे जिनकी ऐसी इमेज थी कि सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, स्टालिन के खिलाफ जा सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जाने लगा और उनको किसी भी तरह से सरकार से दूर किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया। और इसी पूरे प्रोसेस में मिलिट्री लीडरशिप के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, आर्मी जनरल्स थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया, और इसी वजह से रशियन आर्मी वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्टिंग में काफी कमजोर थी क्योंकि उनकी बहुत सारी लीडरशिप वहां पे थी। ये तो सारी बात रही कि सोवियत यूनियन के अंदर क्या हो रहा था। स्टालिन इस बात को लेके भी बहुत नर्वस थे कि ओवरऑल यूरोप में फासिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जर्मनी में हिटलर, दूसरी तरफ इटली का मुसोलिनी, ये दोनों फैसिस्ट लीडर्स हैं जो बहुत पावरफुल हो रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। इस बात को लेके भी बहुत नर्वस थे स्टालिन। इसीलिए साल 1936 में आके जब स्पेन में स्पैनिश सिविल वॉर हुआ, तब स्पेन के जो मेन गवर्नमेंट थी उनको जगह से हटाने के लिए जो जितने भी नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो लीडर्स थे जो सरकार पे अटैक कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे मुसोलिनी और हिटलर। बट ओवरऑल ऑफिशियली यूरोप में पॉलिसी थी कि सारे कंट्रीज ने मिलके, 27 कंट्रीज ने मिलके इस बात पे साइन कर दिया था कि स्पेन में जो हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है, हमको किसी को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, सबने इस बात पे साइन कर दिया था। बट अनऑफिशियली बेनितो मुसोलिनी इटली से और एडोल्फ हिटलर जर्मनी से इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे स्पेनिश रेबल्स को, मतलब ऐसे लोग जो वहां की गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर अब स्पेन भी एक फासिस्ट कंट्री बन जाता तो ये और खतरे की बात थी स्टालिन के लिए। इसीलिए स्टालिन ने स्पेन की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू किया। देखिए ऑफिशियली कोई कंट्री किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट नीचे नीचे से एक दूसरे से ये कंट्री सपोर्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। स्टालिन ही चाहते थे कि फासिस्ट लीडर्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्पेन में ना बने। तो इस सब से बात साफ जाहिर होती है कि स्टालिन और हिटलर में आपस में उनकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती थी, उनकी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, वो बिल्कुल ऑपोजिट सोच के लोग थे। बट इसीलिए साल 1939 में अगस्त के महीने में एक अनाउंसमेंट हुआ, और जब वो अनाउंसमेंट हुआ 23 अगस्त को, तो जर्मनी, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया शॉक हो गई। और वह अनाउंसमेंट ये था कि सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में पैक्ट हो गया, उनमें नॉन एग्रेशन पैक्ट हो गया था। यानी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर यूरोप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ाई नहीं करेंगी। ये बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ा शॉक था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सब जानते थे कि ये दोनों कंट्रीज की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, इनमें कैसे संधि हो सकती है। बट ये संधि हुई 23 अगस्त साल 1939 में, और इस संधि को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट, हिटलर स्टालिन पैक्ट या नाजी सोवियत पैक्ट। पर इस पैक्ट का जो नॉन एग्रेशन वाला क्लॉज था, मतलब ये बात कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ये बात तो दुनिया के सामने आई थी, बट इस पैक्ट का एक सीक्रेट क्लॉज भी था। उसमें यह था कि जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर वेस्ट से हमला करेगा, तब सोवियत यूनियन ईस्ट से हमला करेंगे, और ये दोनों मिलके
पोलैंड को अपने अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर लेंगे। और इस तरह से पोलैंड में इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में, कोई भी लड़ाई नहीं होगी पोलैंड के अंदर। सितंबर 1939 को वेस्ट साइड से इन्वेड किया पोलैंड को हिटलर ने, और सितंबर 17 यानी दो हफ्ते के बाद सोवियत यूनियन ने ईस्ट साइड से पोलैंड को इन्वेड किया, और इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर पोलैंड में अपना अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया। मतलब यहां पे जर्मनी का दबदबा रहेगा और यहां पे सोवियत यूनियन का, इनमें आपस में पहले ही पैक्ट साइन हो गया था। परंतु हिस्ट्री को इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं क्योंकि हालांकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था, बट ये सिर्फ कुछ एक ऐसा तरीका था जिसको हिटलर ने यूज किया था सोवियत यूनियन को साइड में रखने के लिए, क्योंकि हिटलर का प्लान कुछ और था। 1941 में जून के महीने में हिटलर ने लॉन्च किया ऑपरेशन बारबारोसा, और इसी ऑपरेशन के अंतर्गत हिटलर ने सोवियत यूनियन को ही इन्वेड कर दिया जिनके साथ उनका ये पैक्ट हुआ था। और इस तरह से ये जो इनका अलायंस का, जो नॉन एग्रेशन का पैक्ट था, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। बट सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ था साल 1941 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऑफिशियल स्टार्ट डेट है सितंबर 1939। तो आप कह सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय सोवियत यूनियन डायरेक्टली जर्मनी से लड़ाई नहीं कर रहे थे, हालांकि ये दोनों कंट्रीज में आपस में काफी टेंशन थी, बट लड़ाई शुरू होते ही सोवियत यूनियन लड़ाई में नहीं उतरे थे। लड़ाई की शुरुआत में सिर्फ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, यही तीन कंट्रीज इन्वॉल्व थे, बट धीरे 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 करते करते सारे कंट्रीज इसमें एक एक करके सख होते चले गए, और इस तरह से पूरा एक विश्व युद्ध बन गया। तो ये तो थी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की, कि जितने भी मेन प्लेयर्स थे, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन सारे कंट्रीज में क्या क्या हो रहा था। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस वीडियो के एंड में बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे भी आपको एपिसोड मिल जाएगा। जैसे कि हमने इस एपिसोड में देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ब्रिटेन बिल्कुल भी रेडी नहीं था जर्मनी के साथ लड़ाई करने के लिए मिलिट्री के स्ट्रेंथ के मामले में। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि अगर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में फ्रांस नहीं होता तब बहुत मुश्किल हो जाता ब्रिटेन को जर्मनी को रोकने के लिए, क्योंकि जितने टाइम तक जर्मनी ने पहले पोलैंड को कैप्चर किया, उसके बाद फ्रांस को कैप्चर किया, इस पूरे समय में ब्रिटेन को काफी टाइम मिल गया अपने आप को तैयार करने के लिए। तो इस बारे में आप क्या मानते हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि फ्रांस की वजह से बहुत हेल्प मिली ब्रिटेन को, अगर फ्रांस नहीं होता तो क्या ब्रिटेन जर्मनी को नहीं रोक पाते, और क्या ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाते? इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासी